नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। किसी भी जिले का विकास इस पर निर्भर करता है कि वहां की शहर कितनी विकसित है, क्या वहां के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर वहां के नागरिक खुश हैं तो माना जाएगा कि वो शहर और जिला विकसित है। यहाँ के नागरिकों को कितनी सुविधाएँ अभी तक मिल पा रही है, क्या उनको मूलभूत सुविधाएँ मिली या नहीं मिली, इन सारी बातों की जानकारी देने आज हमारे बीच हैं बेगूसराय नगर निगम के मेयर श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि बेगूसराय नगर निगम का कितना विकास हुआ। सर, केवी स्टूडियो में आपका सर स्वागत है। सबसे पहले शहर, अपने शहर नगर निगम की बात करें उससे पहले सर, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, आप अपने जीवन के बारे में बताएं, कैसे आपका जीवन शुरू हुआ और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केबी चैनल को, और शुभकामना भी देता हूँ, धन्यवाद इस बात का कि इन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, और शुभकामना इस बात का कि केबी चैनल रिसेंटली ये लॉन्च किए हैं खास करके बेगूसराय में। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब श्रीवास्तव जी, आपने हमारे लाइफ के बारे में पूछा तो मैं इतना ही बताऊंगा कि आदमी करना कुछ चाहे तो असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है, केवल तबीयत से उसको करना पड़ेगा। कहा भी गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो भाई, अगर आप मानते हैं, और मानना नहीं अगर ठानते हैं कि हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एम्बिशन ऑफ लाइफ फिक्स करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, और उसके लिए केवल यह सपना नहीं देखना है बल्कि वह सपना साकार कैसे हो उसको देखना है। हम एक अति साधारण परिवार से आ रहे थे, आज भी कोई बड़ा परिवार मेरा नहीं है, एक साधारण परिवार है मेरा। रहन सहन हर चीज़ बिल्कुल सादा है, एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन हमने अपने ज़िंदगी में यह कोशिश किया कि ईमानदारी के साथ अगर कुछ करें तो उसमें क्या होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, सेल्फ कंटेनमेंट फील होता है कि हमने ठीक किया। आपको जानकर खुशी ही होगी कि हम पिछले 48 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, और आज भी नगर निगम का काम देखते हुए हम कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, वाइल्ड इंडस्ट्री के साथ हैं, और हमने अपना जिंदगी 2400 रुपये से चालू किया था, और केवल मेहनत और ईमानदारी से हम धीरे धीरे करते रहे, आगे बढ़ते रहे, फल जो मिलना था मिला, और जो भी मिला और जब भी मिला हम उसी से संतुष्ट रहे। हम कितने बार हम नगर निगम में सारे जितने हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, कर्मचारी हैं, सबों को बुला के हमने कहा कि देखो, ईमानदारी से करने से कभी नुकसान नहीं होता। खास करके कॉन्ट्रैक्टर समुदाय को मैंने बुलाया, कहा आप ईमानदारी से करो। मैं आज तक कंस्ट्रक्शन में हूँ, और काम करने में कभी हमने गलत काम नहीं किया, गलत बिल नहीं किया, गलत क्वालिटी नहीं किया, और फिर भी हमको घाटा नहीं लगा। उसका एक ही मात्र कारण था कि हम विजिलेंट रहे, हम कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा काम और क्वालिटी के साथ काम कैसे कर सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य था, और निश्चित तौर पर हम सक्सेस हुए। अब पिछले 49 साल 48 साल में एक ब्लैक स्पॉट हमको नहीं लगा, हम जहाँ भी काम किए और खास करके वाइल्ड इंडस्ट्री में कहीं भी, तो ये मेरी उपलब्धि रही है। सर, एक लोगों में बहुत, जो लोग आपको बहुत दूर से जानते हैं उनके बीच एक रहता है कि नहीं, आपको विरासत में ही कुछ इतना मिला इसलिए ऐसे है, क्या आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा या विरासत में कुछ मिला उसके सहारे, क्या कैसा मतलब आपका जीवन है शुरुआती तौर पर? अब लोग नहीं जानते हैं वो अलग बात है, विरासत में
मुझे 6 धूर जमीन मिला, 6 धूर जमीन, वो भी मेरे पिताजी खरीदे। और मेरे पिताजी ता जिंदगी छोटे से दुकान पर बैठे रहे। जो मुझे जानने वाले हैं, पुराने आदमी, वो सभी जानते होंगे। अच्छा। तो यही चीज तो विरासत में मिला। अच्छा। और जो भी मिला उससे मैं खुश हूँ। और सबसे बड़ी चीज हमें क्या मिला ये भी मैं बता दूं श्रीवास्तव जी, कि पिताजी ने एक चीज दिया कि हमको एक केस नहीं दिया। अच्छा। एक केस नहीं दिया कि आप थाना में जाओ, आप कोर्ट में जाओ। यह सबसे बड़ी चीज उन्होंने दिया कि हमें कोई केस नहीं, जबकि सिविल लिटिगेशन बहुत हुआ था। रिफाइनरी उस समय बनने का कर्म हो रहा था, रिफाइनरी का सारा जमीन उसमें चला गया, आपस में मरोसी जमीन था, बहुत झगड़ा झंझट हुआ। लेकिन उसके बावजूद पिताजी मरे तो हमारे ऊपर ना कोई केस तो हमारे नाम से कभी नहीं हुआ। सिविल लिटिगेशन बहुत सारा था, सारे चीज को छोड़ दिए, जो जो मांगा दे दिए। और यह संदेश हम सभी हमारे शुभेच्छु या जो भी सुन रहे हैं बेगूसराय की जनता, बिहार की जनता, उनके लिए है कि चूंकि अभी देखा जाता है कि भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, जमीन के लिए, मकान के लिए। हमारे पिताजी ने हर चीज छोड़ दिया, अपने भाइयों को, अपने भतीजा को, सब चीज को। और वो भी 6 धूर उनका अपना खरीदा हुआ था, जो आज भी है, और उसी पर संतोष किए। और ईश्वर की कृपा कि या 6 धूर के बदले कुछ और ज़्यादा जमीन भी हो गया, जो सब लोग जानते हैं। तो वह सारा चीज़ जो हुआ उसमें एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि हमारे पिताजी कभी कोशिश नहीं किए कि किसी को भी हम परेशान करें, धोखा दें, ठगें। और वही संस्कार हेरिटेट किया हमें भी, और हमारे बच्चों में भी वही संस्कार है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन में पहले से ही थे, तो फिर ये मेयर की तरफ आपका कैसे आना हुआ? मतलब क्या सोच के आए कि मैं क्या, शहर की सूरत खराब थी या शहर में विकास नहीं था या कुछ करना चाहते थे, आपका कोई सपना था? हम जब काम चालू किए तो धीरे धीरे करते रहे, समाज सेवा करते रहे। और जब भी समाज सेवा करते थे हम फोटो की बात नहीं करते थे, अखबार में कभी नहीं। उस समय उस जो समकालीन जितने भी हमारे पत्रकार बंधु थे, हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, सब आज भी एक कादुका बचे हुए हैं। और सारे लोग थे और सभी आदमी पहुंचते थे, गेट टुगेदर भी होती थी, लेकिन सबों से कहते थे अखबार में नहीं आना चाहिए। तो हम इस सिद्धांत से चलते थे और 2005 तक हमारा यही सिद्धांत चला। 2005 तक मेरा कोई फोटो, किसी ढंग का स्टेटमेंट कि लोग जाने के हम ये कर रहे हैं, हमने कभी नहीं किया। अच्छा। और पुरानी कहावत भी है कि नेकी कर और दिया दरिया में डाल। दूसरी बात है एक और आदमी की, अगर कुछ किसी को करते हैं तो दहना हाथ से करते हैं, बायां हाथ नहीं जाने। तो हम उस सिद्धांत को मानते थे और चलते रहते थे। 2005 में हठात हमको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। अच्छा। और मैं आना नहीं चाहता था। एक हमारे शुभेच्छु थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको आना है। उसमें हुआ कि आपको तो कुछ करना नहीं है, आप केवल हाँ कहिए, ना खर्चा करना है, ना प्रचार भी नहीं करना है। अच्छा। और आप मंगनी में जीत जाइएगा। अच्छा। कहा ऐसा कैसे? तो कहा CPI से हमारा गठबंधन है और आपके बदले में CPI लड़ेगी बेगूसराय में और आप जीत जाइएगा। अच्छा। तो हम कोई भगवान तो है नहीं, मानव उचित कमजोरी हमें भी है। अच्छा। हमें भी है, लालच हमें भी है, हर चीज जितना भी अवगुण होता है दुनिया में, मानव में वह हमें है। केवल उसको दबाए रखते हैं अपने ज्ञान से। और यह कमजोरी, मानव उचित कमजोरी हर आदमी में होता है, लेकिन वो समय से सब कुछ देख करके अपना दबाए रखता है। तो था दबा हुआ था हर चीज, लालसा थोबे करता है कि हम MLA बने, MP बने, मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने, किस आदमी को नहीं है। सही बात। तो हमें भी था। वो 2005 में लोग कहा कि नहीं आपको आना है इसमें, आइए। कहा नहीं, हम मैं नहीं आऊंगा। लास्ट में हमने कहा कि आप हमको क्यों इसमें लाना चाहते हो? तो उनका स्टेटमेंट था, अभी वो लोग सब हैं, कि दादा हम जीत जाएंगे
निश्चित तौर पर अजीत भी रहे हैं तो हमको लोग मंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन आप जाइएगा तो अभी ऐसा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का 25-30 जीता है, फिर 25-30 जीतेगा तो निश्चित तौर पर हमको कुछ न पद मंत्री का कुछ सीट मिलेगा और उसमें आपको हम हमारी लालसा है कि बनाएंगे। तो बड़ा कोमल भावना उनकी थी, तो हम थोड़ा उनके कोमल भावना के सामने नतमस्तक हो गए। हाँ तो कह दिया, लेकिन बाद में फिर 2-4 रोज के अंतराल में सोचे कहाँ हम ये काम, पॉलिटिक्स हमारा नेचर से मिलता नहीं है, नहीं किया। हम कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और बाद में एक मकसूदन बाबू हुआ करते थे जिनका वकील थे, अच्छा। हम लोग गार्जियन कहते थे, हुजूर हुजूर कहते थे जी। तो वो हमको बहुत मानते थे, आज भी वो जहाँ कहीं स्वर्ग में है वो जरूर हमको देखते होंगे। तो वो भी उस बीच में पड़े हुए थे, नहीं नहीं यार तुम करो ये करो, चूंकि हमारे वॉलीबॉल का वो मैंने गुरु हुआ करते थे, तो आओ। तो वो भी उस बीच में लिंक का काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं। बीच में हुआ कि सीपीआई अपने अलग से लड़ेगी, हम कहा अब नहीं लड़ेंगे। अच्छा। हमने मैसेज दिया कि देखो भाई हम नहीं लड़ेंगे। तो वो शुभेच्छु 3 बजे सुबह हम आए, वो भी तो होशियार आदमी थे हैं, तो 3 बजे सुबह हम आए, देखे कि सब तो चला गया होगा। हम लोग माइंड मेकअप किए हुए थे, हम थे मकसूदन बाबू थे, डॉक्टर सालिग्राम जी प्रोफेसर जो हमारे सहपाठी रहे हैं वो भी बैठे हुए थे, ऐसे 2-4-5 हमारे साथी लोग थे कि नहीं नहीं खड़ा होना है, हो गया नहीं खड़ा होना है। उसके बाद वो आए सीधे अंदर में, हम लोग गए बैठे, तो हम कहा कि थोड़ा हमारा लफ्ज जो था तल्ख था, तो हमने कहा भाई नहीं। तो वो बेचारा कहा कि हाँ दादा जो अब ऐसे स्थिति में तो जीत नहीं पाएंगे, मगर अभी भी प्रयास है कि सीपीआई खड़ा नहीं होगी। सबसे बिहार में सीपीआई गठबंधन में लड़ रही थी, केवल यहाँ सीपीआई लड़ गई। अच्छा। उसमें पॉलिटिकल बहुत सा है, वो आज वो बात बोलना नहीं चाहते हैं कि नहीं को क्यों हम ये करें। एनीवे तो हम कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुजूर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मकसूदन उन्होंने कहा कि नहीं ये बात तो ठीक है कि गठबंधन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात है फिर भी हम जीत जाएंगे। तो वो चूंकि वो सीनियर वकील रहे थे, केस को खत्म होते होते केस को फिर जिंदा कर दिए। अच्छा। तो वो आदमी हमारे शुभेच्छु थे, पकड़ लिए कि नहीं जब ये कह रहे हैं तो दादा कर लीजिए। अच्छा। उसके बाद हमारी वाइफ भी खड़ी थी कि काहे दुश्मनी सधारे, तो वो शुभेच्छु हमारे वाइफ से हाँ कहवा दिया। अच्छा। जिस तरह की बात हो, मैंने कन्विंस हो गए, मैंने इस ढंग से उन्होंने कहा वाइफ को, वाइफ कही अच्छा, तो हम भी थोड़ा सेंटिमेंटल हो गए कि ये आदमी हमारे लिए इतना कर रहा है, क्या लस्ट है हमसे, चलो चले जाते हैं। बस उसी समय पॉलिटिक्स में आ गए। तो सर ये जानना चाहेंगे कि अब लगभग 4 साल आपके हो चुके हैं, तो आपके नज़र में क्या लगता है कि शहर का कितना विकास हुआ, क्या कुछ आपने इस 4 सालों में किया? देखिए शहर का कितना विकास हुआ ये तो शहर की जनता बताएगी, लेकिन हमने क्या क्या किया ये हम आपको बता सकते हैं जी। हम सबसे पहले जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं, ऑफिस कर्मी हैं, सबका हालत खराब जी। 3-3 महीना 4-4 महीना पेमेंट नहीं मिलता है। आप लोगों को पता होगा, अखबार में भी आया था कि हम जब आए थे तो पहला शायद होली था या कुछ था, मार्च में हम आए थे, होली पेमेंट नहीं मिला, तो हम अपने यहाँ से 33-34 लाख रुपया निकाल के आए, कहा पेमेंट सब आदि सबके बच्चे पुआ पूड़ी खाएंगे, हमारे सफाई कर्मी के बच्चे क्या खाएंगे, हमने पेमेंट किया। बाद में थोड़ा थोड़ा मिला, कुछ अभी भी बाकी है। और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आया, वहाँ भी वही हालत हुआ, तो उस समय भी हमने पैसा दिया, पैसा लौटा, अभी तक कुछ बाकी है, ठीक है। तो पहला तो हमने ये किया।
ऑफिस का हालत खराब था, एक फाइल नहीं मिलता है। आज आप देखिए जो फाइल खोजिए हमारे सामने हर चीज ए टू जेड। बिल बनता था तो उसमें कंट्रैक्टर का दस्तखत नहीं, बिल पेमेंट। अरे कंट्रैक्टर क्लेम कर देगा तब कहाँ क्या करोगे, बिल पेमेंट। तो ऑफिशियल बहुत सारे खामियां थी, आज भी है, बहुत सारा दूर किए हैं, अभी भी दूर कर रहे हैं। शहर के लोगों को जैसे क्या मूलभूत सुविधाएं, अब वही आते हैं कि शहर के लोगों के लिए नगर निगम से तो मुख्य रूप से था कि सफाई, सफाई पर हमने बहुत ध्यान दिया, आप भी देखते होंगे, और खास करके अपने भी जाते हैं। और दूसरी बात थी कि हम क्या क्या योजना लावें। आपको आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी, हमने कंस्ट्रक्शन में 1100 योजना जो अभी हम बुक निकालने जा रहे हैं एक आध सप्ताह में, 1100 योजना को हम कार्यान्वयन किया है। 1100 योजना नगर निगम में 1100 योजना, ये बिहार में बिरला ही ये बेगूसराय जगह है कि हुआ है। पेपर में भी आता है कि नगर निगम ने ये काम नहीं किया, नगर निगम, उसको हम निगेटिव कभी नहीं लिया। अच्छा। जो भी पेपर में आता है फॉर और अगेंस्ट में, उसको हम कभी निगेटिव नहीं लेते। वो तो हम धन्यवाद देते हैं चैनल वाले को और प्रिंट मीडिया को, सबको, कि भाई ये अच्छी बात है, आप मेरा काम कर रहे हैं। अगर हम काम करना चाहते हैं तो आप तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें हम जो कर सकते हैं उस पर हम तुरंत एक्शन करते हैं। तो ये हमेशा मेरा ये एटीट्यूड रहा। तो हमने करीब 1100 योजना किया, बहुत सारा। अब जैसे ही आए तो देखा कि प्याऊ गर्मी का दिन था और पहले लोग डिसीजन लिए थे कि यहाँ कुछ प्याऊ बनाया जाए, जिस तरह से लिए हो, लेकिन बना नहीं। जब हम आए तो चूंकि लोग लिए हुए थे डिसीजन, टेक्निकली वो सब सही नहीं था, फिर भी कहा कि जब डिसीजन लिया है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इसको चालू करो। तो कम से कम 50-55 करीब 55-60 जगह पियाऊ हर जगह बनाए, उसमें बोरिंग करके उस और एक छोटा सा मकान बना के उसके ऊपर टंकी लग के, ये करीब 58-60 जगह आपका बेगूसराय सब जगह है। कुछ तो 2-3 जो इसमें आ गया हाईवे पर, वो टूट रहा है, अभी टूटेगा। तो पहला तो जैसे ही आए उसको, उसके बाद हम चूँकि हम कंस्ट्रक्शन लाइन के हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस उस पर रहा। अच्छा। उसके बाद मैं बताऊँ कि कुछ लाइट लगा था जिसमें बहुत सारे कंप्लेन थे, हैं, आगे भी रहेंगे। अच्छा। फिर भी लाइट के लिए हंगामा हो रहा था, तो हम थोड़ा हर चीज चुके अपने परचेज किए अपने काम में, तो यहां भी उसमें इंटरफेयर कर जाते थे, जिसमें मेयर का काम वो नहीं है, सही बात, कर जाते थे। अब मेयर का काम वो होता है जो अपना सेल्फ पर्सनल कुछ इंटरेस्ट हो तब होता है। तो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट था कि इसमें करप्शन का कहीं बू आने नहीं दें। तो हर चीज जैसे एलईडी नया एलईडी आया था तो 1-1.5 हज़ार पहले खरीदे, फिर 1-1.5 हज़ार जो जहां हर वार्ड में 10-10, 20-20 एलईडी लाइट दिया। और उसको क्या, जो आज तक पैसा नहीं मिला, हम अपना पैसा दिया था, चूंकि एलईडी लाइट कम रेट में खरीदना था, जो हमारे ही बिल्डिंग में नगर निगम में है, वो ज़्यादा रेट कहे, हम कहे रेट उनको, हम अपने से जाके रेट फिक्स कर दिया, कहा वहाँ से ले आइए, तो कहा हमको पैसा है जो ले आएंगे, चूंकि उनको तो उतना फायदा नहीं मिल रहा था, फायदा मिलता तो पैसा दे देते, जब मिलते रहता। नगर निगम में ये भी था कि आज आप बिल दिए तो 2-3 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो आप बिल जब देते थे तो आप भी देखते थे कि 2-3 साल में वो पैसा पर कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो वो रेट आपका होता था। अच्छा। तो ये कहानी था। तो उस कहानी को भी हम बता दें कि यहाँ जो चूना खरीदा जाता था, जो चूना हम अभी 7-9 रुपये में खरीदते हैं, उसमें 12-13 रुपये में खरीदते, ब्लीचिंग पाउडर हम उस समय लोग 34-35 रुपये के जी खरीदते थे, हम जब आए तो ब्लीचिंग पाउडर 14 रुपया में खरीदे। अच्छा। एक ट्रक मंगा दिए, चूंकि अब नगर निगम का सिस्टम था कि वो वाटेशन लेगा, ये लेगा, वो लेगा,
मैं एक ट्रक अपना पैसा डाल के मंगा लिया और ये जो पेट्रोल पंप है लाखों, चूंकि ये जो है लाखों के पेट्रोल पंप के मालिक दिनेश टिबरीवाल, तो उन्हीं से ये पता लगा कि ऐसे ऐसे वो मंगाए थे अपना इससे किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो रेट पता लग गया, तो कहा कि मंगा दो, हमारा मंगा दिया, हम अपना पैसा दे दिया, पैसा दे दिया वहीं रहा, और उसके बाद वहाँ से मंगा मंगा के इनको दिया, तो वो भी ठीक से बिल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, वहीं रह गया। लेकिन वो सारा चीज़ ले आए। अब नगर निगम में वहीं से ब्लीचिंग पाउडर आता है, अभी भी 14 रुपये 15 रुपये यहाँ आते आते सत जो 34 रुपये में खरीदा जाता था, रिकॉर्ड है। सर ऐसा है कि जैसे किसी भी शहर के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है सड़क। तो ये बात सही है कि सर बहुत सी सड़कें बनी हैं, गली में भी बनी है, पक्की सड़क हुई है, लेकिन वो दो चार ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिस पे हजारों लोग उस पर चलते हैं, आवागमन करते हैं, लेकिन शुरू से ही सुना जा रहा है कि अब बनेगा। जैसे आप जीडी कॉलेज पेपरा रोड ले सकते हैं, बीपी स्कूल से नौलखा मंदिर तक ले सकते हैं, कुछ राजापुर के भी तरफ है, बाघा में भी है, ये सब सड़कें सिर्फ सुनने में ही आ रही है कि अब बनेगी, लेकिन इस पर अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं कब तक ये सड़क, मैं आपको बताऊं, जैसे ही आए उस समय मंत्री हुआ करते थे हजारी जी, तो हमको जब हम लोजप्पा में थे उसी समय परिचय था जी, तो हम उनको गए, तो वो भी कहे कि नहीं, आपको दो तरह से योजना आता है यहाँ। अच्छा। एक राज योजना हुआ जी, तो राज योजना वहाँ डायरेक्ट अलॉट करते हैं जी, और एक योजना होता है कि जैसे सफाई के लिए वहाँ से पैसा आएगा, या जैसे जल नल के लिए समूचे बिहार के लिए आया तो यहाँ भी आया, तो यहाँ थोड़ा हम ज़्यादा ले आते हैं जा आके, तो इस ढंग का योजना होता है हर तरह का। समूचे बिहार के लिए जो बनता है वहाँ आता है, आएगो स्पेशल होता है कि हम यहाँ से योजना बना के दिए और गए वहाँ मिले, पैरवी किए, पैगाम किए, तो वहाँ से कुछ पैसा ले आते हैं नगर निगम द्वारा, नगर विकास के द्वारा। अच्छा, नगर विकास। तो उसमें हमने किया करीब 35-40 करोड़ का बना के दिए, 3-4 साल पहले आए, उसके बाद ही हम समझते हैं 17 कहानी है, 16 में हम आए, 17 बना के दिए, उसमें से लगभग 12 करोड़ का योजना स्वीकृत हो गया, और उसका आंशिक रूप उनका है कि 25% 20% 50% पैसा अलाउ करके पैसा भेज देते हैं, तो उस फॉर्मेलिटी करने में बहुत समय लगता है, तो समय लगा तो हमारा 12 करोड़ का योजना आ गया, जिसमें 3.6 करोड़ या कुछ है जीडी कॉलेज आ गया। अब योजना आ गया, उसको टेंडर होने में 1.5-2 साल लग गया। अच्छा। पैसा तो हम ले आए, हमारा काम था वहीं तक, वो भी काम नहीं था, हम तो योजना बना के भेज दिया और वो अपना आबे नहीं आबे, लेकिन हम अपने से जाके जो पर्सनल इन्फ्लुएंस करके परिचय करके ये अच्छी बात थी कि सुरेश शर्मा वहाँ मंत्री जी आ गए, तो वो बेचारे सहयोग किए, तो वो सब योजना हो गया। तो जैसे जीडी कॉलेज का टेंडर हुआ, तो टेंडर जब हुआ, पहले तो टेंडर में यहाँ बनेगा एस्टिमेट, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, बीच में रेट चेंज हो गया, बीच में जीएसटी आ गया, तो फिर से बनेगा, फिर जीरो से चालू कीजिए। अच्छा। वो सांप वाला खेल देखें, लूडो वाला। अच्छा। तो लूडो वाला खेल हुआ, और यही होता है। अच्छा। यही होता है कि आज देर हो गई और फिर 6 महीना के बाद जाएगा, तब समझ एक बार रेट चेंज हो गया, एक बार जीएसटी आ गया, सब इसी समय हुआ है ना, तो ये दोनों बार में लौट गया, उसके बाद एक बार एकल टेंडर सिंगल टेंडर हो गया। अच्छा। तो कितना बार आया, और एक बार हो गया तो 3-6 महीना। अच्छा। तो आप समझ लीजिए, तो और जबकि हम लगे रहे। अच्छा। मेरा प्रेस्टीज का बात था जी। हम लगे रहे और आ गया, कंट्रैक्टर लाइनअप हो गया, यहीं का कंट्रैक्टर है संजय यादव। उसके बाद हुआ कि वो चालू करेंगे, तो हुआ कि जो ये आ रहा है, इसी बीच में ये आ गया सीवरेज सिस्टम जी। तो वहाँ इतना मोटा पाइप लगेगा कुछ दूर, और जीडी कॉलेज के पीछे जहाँ एसओएस का है ना जी, ओ जो लेडीज जब जो है बालिका गृह, नहीं इस जीडी कॉलेज के पीछे नहीं, एसओएस नहीं, ये है ओम शांति। अच्छा। ओम शांति का नहीं ऑफिस। हाँ, है जी, जी, जी। जीडी कॉलेज इंदिरा कुमार डॉक्टर के बगल में। हाँ,
तो वहाँ तो इतना पानी, 4 फीट 3 फीट पानी लग जाता है। तो बड़ा था कि हम कहा कि इधर से बनाएगा, वहाँ इतना मोटा पाइप लगता है सेवरेज वाला, तो वो पाइप लगता है, तो कहा वो कर लेते हैं तब होगा। क्या हुआ कि कहा कि सर पाइप अभी नया है आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को उस समय कहा थोड़ा रुको, तो वो पाइप आ जाता है, वो जब कर देगा तब तुम कंक्रीट कर देना, नहीं तो ये कंक्रीट कर देगा फिर काट देगा तो पब्लिक कहेगी क्या करता है। खैर, तो उसको पाइप आने में देर हुआ, उसके बाद ही लॉकडाउन हो गया। अब अभी पाइप आया, थोड़ा आया है, तो अभी अगर हम काटते हैं, और काटना कितना है जानते हैं, 23 फीट, 23 फीट डीप जाएगा तो नीचे से पानी आएगा, ऊपर से तो एबे करता है, नीचे से आएगा। कहा नहीं, तो करना क्या है, कहा या तो कंक्रीट करो, बाद में अब 6 महीना बाद तोरे करे, अब गाली कितना सुनेंगे पब्लिक से। तो तब तक कहा नाला बनाओ, और नाला अभी करीब 600-700 फीट बन, काम चालू है, 600-700 फीट नाला बन चुका है, अब देख सकते हैं। ये तो कब तक ये रोड बनने की उम्मीद? हाँ, तो आप बताते हैं, कल ही बात हुई है। तो कंट्रेक्टर आप बहाना करता है कि छरी नहीं मिल रहा है, बालू नहीं मिल रहा है, इसमें फैक्ट भी है, जो बालू मिलना चाहिए था 2000-3000 में, सो बालू 6000 में, 7000 में मिलता है, 8000 में। चिप्स का भी वही हालत है, कंट्रेक्टर अलग वो देह को पथरा रहा है कि करें क्या, हम कहा नहीं करो। दूसरी बात एक और है बहुत बात, कि ये राज योजना का है, राज योजना का पैसा था, हमको उतना भेज दिया, 25% 30% जो हो, 79 लाख हमारे पास है उसका, उस जॉब का, उस जॉब का 79 लाख है। तो कहता है कि नहीं, जॉब हम जब करेंगे, जब काम खत्म कर देंगे तो हमको 79 लाख लगा, बाकी पैसा आने में देर होता है। उसको क्या होता है कि सरकार तभी पैसा देगी कि आपको अगर 100 रुपया दिया है तो उसका 100 का खर्चा करके यूजर सर्टिफिकेट UC आप देते हैं, तब दूसरा पैसा देगा। उसमें बहुत सारा इब्बट लग जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक दो को काम किया है, वही सब कॉन्ट्रैक्टर जो उसको दोबारा पैसा नहीं आया, तो हमको बताया नहीं, चूंकि ये काम बुडको कर रहा है, जो भी बड़ी योजना राज योजना होती है बुडको करता है, पैसा हमको आया हम उसको दे देंगे, अब वो पेमेंट करेगा कितना करता है, कब करता है, क्या करता है, और फिर जब वो लिखेगा यूसी देगा तब वो वहाँ से पैसा आएगा और तब उसको कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ये सब फंसा। तो कल जब इंजीनियर का मीटिंग हुआ तो उसमें हम कहा कि ये काम चालू करो और 79 लाख है, तुम यहाँ से पिपरा चौक तक चालू करो, या उधर से करते हो डोमिनिया घर से तो पश्चिम तक आओ, जहाँ तक आना है आओ, इतना 80 लाख का तुम काम करो और तुरंत यूसी सर्टिफिकेट बना के हम देंगे और हम अपने से जाएंगे पैसा लेकर आएंगे। तो ये हम इंजीनियर को, नगर आयुक्त को कल इस पर डिप्यूट किया है कि ये करके हमको दीजिए। कंट्रेक्टर का इंटरेस्ट है कि हम नहीं करें अभी, बाद में देखेंगे। चूंकि उसमें एक चीज़ और है कि जो 1 करोड़ से ऊपर के जॉब होता है तो उसको जो वो हैंड मिक्सिंग या जो लोकल मिक्सचर से करता है उससे अलाउड नहीं है, वो जब भी होगा तो बैचिंग प्लांट से आना चाहिए। तो हम लगे हुए हैं, दूसरा क्वालिटी के लिए तद को पत्थर लगा देता है तो हम मना करते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी ख्याल है कि अब तो इनका 6 महीना ही है, 6 महीना पास कर देंगे, दूसरे लोग आएंगे तो फिर उस समय करेंगे। तो मतलब ये माना जाए कि 2-4 महीने 6 महीने में वो सड़क मिल जाएगी? हाँ, सड़क पर लगे हुए हैं, हम समझते हैं कल तक रिजल्ट आ जाएगा, कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। हम तो इतना भी कहे कि तुमको पैसा नहीं तो पैसा भी मैं ही दूंगा अपना पर्सनल, और जब रिफाइनरी से यहाँ से पेमेंट मिलेगा तो हमको देना, हम इतना ऊपर किए हुए कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा सर, शहर को शुद्ध पेयजल कब तक? हाँ, तो इस पर और एक बार और राज योजना का और है, जैसे आपने प्रश्न उठाया था बीपी स्कूल का भी जॉब चालू है, उसमें अब हर जगह रुकावट आ रहा है कि पहले इस ये करें क्या कहते हैं नल जल का पाइप बिछा दें कि स्वेरेज का पाइप बिछा दें कि कंक्रीट कर दें। अब 3 एजेंसी हो गया, कंक्रीट करने वाला एक एजेंसी हो गया, एक एजेंसी हो गया कंक्रीट को तोड़ के नल जल का पाइप बिछाएगा, एक एजेंसी हो गया सीवरेज वाला बिछाएगा। ये सारा कोऑर्डिनेशन करना है, इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक ही है, मैंने तीनों का मालिक वो हुआ, उसको कोऑर्डिनेट करके करना चाहिए कि कौन जॉब पहले होगा जिससे नेशनल लॉस भी नहीं हो, किसी को कंक्रीट
करना है, किसी को तोड़ना है तो देश की बात ना, तो नेशनल लॉस को कैसे देखते हुए तब वो काम करावे, लेकिन नहीं ध्यान दिया जाता है। हमने इसके लिए बहुत जगह बात किया। आप जो कह रहे हैं जलनल की बात, तो पहले मैं इसका कर दूं, तो बीपी स्कूल का ये काम चालू है, ये नाला बनाने का, नाला बनाने का काम चालू है, उसका भी इसका भी काम चालू है। एक राज योजना का 29 नंबर वार्ड बागी में, वहाँ भी काम चालू है। एक काम उलाव में हुआ, वो कंप्लीट हो गया, कोल्ड स्टोरेज जो था उलाव में उसके तरफ जाता है, वो काम चालू हो गया है। एक एक दो काम और चालू हुआ है, तो 11 काम है 12 करोड़ का, और उसको देख रहे हैं कि और कुछ टेंडर में है, कुछ टेंडर में अभी भी फंसा हुआ है, जो 2 साल पहले हमको पैसा आया वो आज तक टेंडर में फंसा हुआ है। किसी का CS ने अभी यहाँ जो बुडको में जो AC है वो रिजाइन कर दिए, इसीलिए कि जो इंचार्ज थे नॉर्थ जोन के, हमारे नॉर्थ बिहार के, वो AC इसलिए रिजाइन किए कि उनका बेटा लोग कहता था कोरोना मत निकलिए, गोसा से रिजाइन कर दिए। तो अभी वहाँ कोई है नहीं, अप्रूव नहीं कर रहा है। वो कम से कम 30-40 योजना हमारा बेगूसराय नगर निगम का वहाँ पड़ा हुआ, केवल हमारा ही नहीं और जित निकाय जो है तगड़ा हो बकरी हो सब का, तो ये कहानी है। तो सर, एक शहर की सबसे एक और सबसे बड़ी समस्या हुआ जाम की समस्या, इसको लेकर नगर निगम क्या? अभी जाम में फेस करते हुए अभी हम आए हैं, अभी हम आए हैं जाम को फेस करते हुए। पहले नंबर तो वहीं से जाम है हाईवे पर पूरा ट्रक, तो हम आए उधर से फ्लाई ओवर होके, उधर से मेरा नर्सिंग होम होके फिर वहाँ जाम, तब हम आए। अंदर में आए तो हमारे नगर निगम के और गेट के सामने पूरा यहाँ से वहाँ जाम, कितना बार लिखे सब कुछ किए उसमें जाम में। जब तक हमको जिला प्रशासन सपोर्ट नहीं करेगी तो जाम में वो अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आज भी जा रहे हैं, आज तो डिसीजन भी हम लिए हुए हैं स्टैंडिंग में कि जाम के लिए बात कीजिए। तो आम पब्लिक तो सर यही सोचेगी ना कि उसको कब तक मिलेगा, उसके साथ यही समस्या है, आप तो वही बता। आम पब्लिक ये चूंकि उस पर वो तो पहला नंबर तो नगर निगम नहीं कर रही है, यह जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे नगर निगम या बेगूसराय के जितने भी हमारे आम पब्लिक हैं उनको हम नमस्कार करते हुए यह बताने जा रहे हैं कि ये जल का जो गड्ढा खोदा गया वो नगर निगम नहीं कर रही है, जो स्वेरेज का गड्ढा खोदा जा रहा है वो नगर निगम नहीं कर रही है। नगर निगम का एक भी गड्ढा खोद के रखा नहीं गया है समूचे नगर निगम में, कोई ऐसा कुछ नहीं है समूचे नगर निगम क्षेत्र में। ये दोनों काम बुडको कर रही है, बुडको का काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। और इतना ही नहीं, जब यहाँ बुडको काम कर रहे थे जल नल के बारे में, नवम्बर दिसंबर में जब काम ये मीटिंग हुआ था को ये सर्वन कमेटी या कौन कमेटी होता है उसमें हमको भी अनुसर्वण कमेटी हमको भी बुलाया गया था, उसमें प्रभारी मंत्री भी थे, कलेक्टर साहब थे और लोग कुछ थे, MLA भी थे। हमने प्रश्न किया था कि ये क्वालिटी में काम नहीं हो रहा है और ये सही काम नहीं हो रहा है, टाइम पर नहीं हो रहा है, ये मुख्यमंत्री का इतने प्रेस्टिजियस जॉब है अमृत योजना का, भारत सरकार का भी या बिहार सरकार का, ये काम टाइम पर नहीं होगा और ये जरूरी है पब्लिक के लिए, सबसे रोड उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये पानी है, तो ये काम नहीं हो रहा है। तो उस पर कलेक्टर साहब ने पूछा था एग्जीक्यूटिव को, तो कहा सर नहीं, एक महीना में सब ठीक कर देंगे, वह ठीक आज भी नहीं हुआ, ये नवंबर दिसंबर की बात है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आने वाले जल्द एक दो महीना में, एक दो साल में ये दोनों योजना शहर को मिल जाएगी। ये तो आपको हम समझते हैं 1.5 साल में स्वेरेज सिस्टम वो कर देगा जो उसको देखते हैं जी, और बड़ी कंपनी है ना उसका सिस्टम में है जी, लेकिन ये कब करेगी जल नल वाला इसमें अभी डाउट है, इसमें डाउट है। अच्छा सर, अब अंतिम प्रश्न सर जानना चाहेंगे कि नगर निगम शहर के अंदर में जो बहुत गरीब होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, उनके लिए भी कुछ वेलफेयर का वर्क करती है, तो ऐसे कौन कौन से वर्क अभी नगर निगम कर रही है? देखिए नगर निगम अभी आपको खुशी उस बात की होगी कि जो 8-10 साल से राशन कार्ड नहीं मिला था जी, हमने करीब 11,000 राशन कार्ड का पेपर तैयार किया शहरी क्षेत्र में जी, और बाकी तो और जगह सब जगह करवाए, कलेक्टर साहब भी बहुत एक्टिव रहे उसमें,
सारे मिनिस्टर हमारे एक्टिव रहे, हमारे मुख्यमंत्री तो रहे ही। तो शहर के क्षेत्र में हमने 11,000 लगभग 10,000 आदमी को चला भी गया, बहुत आदमी को 1,000 पैसा चला गया अकाउंट में। और ये पंचायत क्षेत्र में तो कार्ड भी बट रहा और हमारा भी कार्ड रेडी है, अब यहाँ भी जाएगा बटने के लिए। तो उससे जैसा कि आपने सुना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि छठ तक हम राशन देंगे, तो इस कार्ड जो राशन कार्ड मिल रहा है इससे बहुत सुविधा गरीबों को होगा, बहुत सुविधा जो लाभुक हैं उनको होगा, एक काम। दूसरा, हम परसों तरसों भी बांटे हैं आवास योजना। आवास योजना में हम अपने 2 करोड़ हम पैसा लेकर आए, हमको पैसा लाना है 80 करोड़। अच्छा, अभी और आएगा। अच्छा, 2.25 करोड़ लेकर आए हैं, चूंकि ये 22 तक का है, 2022 तक। हाँ, 80 करोड़ हमने बना के दिया था, तो अभी 2.25 करोड़ आया है, हो सकता है का सप्ताह में और आ जाए। जैसे ही पैसा आया तो इसको तुरंत रिलीज कर रहे हैं और उसमें ध्यान रखते हैं कि गलत ना हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है, शौचालय में सर, शौचालय हमने इतना शौचालय बहुत कम जगह बना, शौचालय कम से कम हम 14-15 हजार शौचालय का पैसा दिया और शौचालय बना भी, और जो भी कुछ बचा उचा है सब लोग रोज देख रहे हैं। कुछ शौचालय का पैसा जा भी रहा है, जैसे जैसे कुछ क्लियर होता है, बहुत सा दिक्कत है ना पेपर में जी। तो पेपर में दिक्कत रहेगा तो करप्शन में आदमी जेल जाएंगे जी। तो उसके लिए तो सबको हम अलर्ट किए हुए, खबरदार, एक भी आदमी हमारे साथ जो काम किया है वो एक भी करप्शन में का नाम उसका नहीं आना चाहिए एक चीज में, तभी तो ये शौचालय का काम हमने किया, आवास योजना का काम किया है और जा रहा है, जैसे जैसे पैसा आ रहा है। उसके बाद ये राशन कार्ड सबसे त्वरित हुआ है, अब बहुत ज़्यादा हुआ है और उसके लिए जनता बहुत ज़रूरी था। बाकी और काम तो हो ही रहा है, रोड का हो रहा है, बिजली का काम जो ये लगाया है EESL, वो 10,000 लाइट लगाया है, उसके साथ एग्रीमेंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट था कि आप 7 साल तक आप मेंटेन करेंगे, वो बीच में अपना भाग गया, समूचे जगह ले लिया, अब नगर निगम क्या करेगी, वो भाग गया, फिर उसको लिखा पढ़ी किए हैं, अभी कुछ आया है तो उसको कहने हैं कम से कम जो बुझा हुआ लाइट है उसको जलाओ और कहीं कहीं छुटा हुआ है उसको लगाओ, कर रहा है तो उस पर लगे हुए हैं। अभी आपको एक और चीज बता दें कि एक सप्ताह के अंदर 40 पीस यूरिनल आ रहा है, 40 पीस मैंने 20 जोड़ा। अच्छा। हम 20 जगह यूरिनल लगाएंगे, एक लेडीज का एक जेंट्स का। अच्छा। वहां से हरमाय चौक से लेके बिशनपुर तक। अच्छा। या जैसे कचहरी के इर्द गिर्द हुआ तो उसी रोड में नहीं, जहां जहां इसको है करेंगे, और घटेगा तो फिर ऑर्डर करेंगे। हम 40 का ऑर्डर किया है, मैंने 20 जोड़ा जी। और जहां देखेंगे कि लेडीज का जहां है वहां लेडीज वाला लगा देंगे, जहां जेंट्स का है वहां जेंट्स लगा देंगे जी। और वो सब यूरिनल है, चूंकि बेगूसराय में ये यूरिनल का कमी एक समय था, अब तो कुछ तो बढ़िया बढ़िया मॉल बन गया जहां यूरिनल का फैसिलिटी है, नहीं तो पहले तो नहीं था। सर, एक जो मांग बहुत पहले से रही है शहरवासियों की, और मुझको लगता है कि सर वो नगर निगम के हाथ में भी है, किसी एजेंसी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, ये शहर को कब एक पार्क और एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा? सर, पार्क के लिए जगह चाहिए, और बेगूसराय में जगह कहाँ है, और बेगूसराय एक जमीन का इतना कीमत है वो बम्बई से भी ज़्यादा। तो पार्क के लिए हमने देखा कि बिशनपुर जो नौलखा मंदिर है उसके कैंपस में जमीन मिल सकती है, तो वहाँ हम बात किया तो 6 बीघा जमीन का NOC लोकल बॉडी से हमने लिया, जो यहाँ अध्यक्ष हैं जो भी हैं लिया हमारा। तो उसके बाद हम धार्मिक न्यास बोर्ड होता है तो उसके अंडर में होता है, तो उसको हम जब अप्लाई किया तो लोग रिजेक्ट कर दिए, 2 बार अप्लाई किया रिजेक्ट किए, अभी फिर अप्लाई किए हैं। और हमने अपने माननीय जो सांसद हैं उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अप्लाई कर दीजिए और तब हमको कहिएगा, हमने अप्लाई कर दिया। दूसरा, आपने कहा स्टेडियम, स्टेडियम के लिए हमारे आने से पहले एक योजना बनी थी कि स्टेडियम में हो, कुछ पैसा दिया गया था किसी किसी अथी से, तो
वो ऐसे पड़ा रहा। उसके बाद एक आध यही बुड को इसी को टेंडर एक बार टेंडर किया, क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि पैसा हुडको बुडको था, पहले हुडको हो गया बुडको, ये सब भी कहानी, सब 4.5 साल में सारा झंझाबात हमी को झेलना पड़ा। तो फिर वो पैसे, वो इंस्ट्रक्शन हुआ कि बुडको के पास जो पैसा है वो पैसा दे दे कलेक्टर साहब के पास। तो बुडको अपना पैसा दे दिया। और उसके बाद हम क्या बार किए हैं, जबकि नगर निगम का पैसा नहीं है, हम अपने पर्सनल लेवल पर हम चाहते हैं, हम भी स्पोर्ट्समैन रहे कि वो एक बन जाए। तो क्या बार कहे, तू कहा कि वहाँ पैसा है, तो हम कलेक्टर साहब से बात भी किए थे। अभी वो डिटेल ले लेते हैं बुडको से, तो वो पैसा फिर बुडको में जाए, अब बुडको टेंडर करेगा। केवल इसी का नहीं है, ये जो गांधी स्टेडियम है, एक उलाव वाला भी है, ये दोनों का पैसा था। तो वो पैसा उस समय जो दिया उसको भी पता नहीं काहे के लिए दिया, ऐसा ही लीडर आपका होता है, उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। तो वो पैसा है, ये नगर निगम का नहीं है, लेकिन किए। तो ये है, अब है कि ये हो जाए या जगह कहीं मिले, तो जगह मिले तो हम उस पर 2-4 करोड़ खर्चा कर सकते हैं, स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। कि जो आम पब्लिक को हम देखते हैं कि अगर उनको कोई भी शिकायत रहती, छोटी मोटी शिकायत है कि सड़क टूट गया, उसके घर के आगे पानी जाम है, तो वो कहाँ शिकायत करे, त्वरित कार्रवाई, मतलब जहाँ वो तुरंत शिकायत करे उस पर कार्रवाई, ऐसे क्या एजेंसी है नगर निगम के पास जहाँ वो शिकायत करे आम पब्लिक को? सर, एक तो हम नगर निगम हेल्प डेस्क खोले हुए हैं, उस पर उदय सभी लोग पढ़ते हैं, कोई संज्ञान उस पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो अलग बात है, मैं तो संज्ञान लेता हूँ तुरंत, जैसे कुछ आता है या अखबार में आवे या हेल्प डेस्क पर आ, हमेशा हम देखते रहते हैं। एक वो हुआ, दूसरा हमारा ये है उपायुक्त है अरुण जी, उनको डिपुट किया गया है कि सबको देखिए। तीसरा एक वहाँ ये डाले हुए हैं, लेटर बॉक्स डाले हुए हैं कि उसमें कोई चिट्ठी डाल देते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी तुरंत। उसके बाद लोग नगर आयुक्त को भी दे देते हैं, लोग वहाँ के वार्ड पार्षद के द्वारा भी कहवा सकते हैं। तो इतना सुविधा है और कोई नहीं सुनता है, तो हम तो 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है, कोई एक कंप्लेन आपको 4 साल में नहीं मिलेगा कि किन्हीं ने कोई मोबाइल हमको किए और उनको हमने बात नहीं किया। मतलब डायरेक्ट आप मेयर को भी फोन कर सकते हैं? बिल्कुल, और मेयर को ही ज्यादा लोग फिर फोन करते हैं, ये मैं जानता हूँ कि मुझे ही, चाहे वो कुत्ता फेंकवाना हो या वो फीता काटना, वो मेयर को ही ज्यादा फोन करते हैं। तो इससे मुझे खुशी है कि कम से कम लोग इतना हम में विश्वास तो करते हैं। काम उसी को कहते हैं जिसे विश्वास होता है। तो ये हम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भाई हमको अपने दिल में रखे हुए हैं, और हम आए हैं नगर निगम, मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि नगर निगम और सरकार जो भी पैसा खर्च करती है वह पैसा जनता की है, और जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए, और उसको उस पैसा को अगर जनता के हक में नहीं लगता है तो वो पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहा। चलिए सर, हमारे केवी स्टूडियो में आए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद, और आपका इस चैनल को फिर से हम शुभकामना देते हैं कि इसी ढंग से आगे बढ़ते रहे।